गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की डेट है 29 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो आर्टिकल है वो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में क्यों है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है तेग बहादुर जी की लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तेग बहादुर जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1621 में, पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कब हुआ जन्म? 1621 में इनका जन्म हुआ था। ये इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था हर गोविंद जी। इनके पिताजी का नाम था हर गोविंद जी, जो कि सिखों के छठवें गुरु थे। सिखों के छठवें गुरु कौन थे? हर गोविंद जी। और तेग बहादुर जी के पिताजी का नाम क्या था? हर गोविंद जी। तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? 1621 में। कहाँ हुआ था? पंजाब अमृतसर में। इनका जो बचपन में नाम था ना तेज बहादुर जी का, वो था त्यागमल। तेज बहादुर जी का बचपन में नाम था त्यागमल। बाद में नाम इसका चेंज, इनका नाम चेंज कर दिया गया तेग बहादुर। तेग का मतलब होता है तलवार, तेग तलवार। ठीक है, तेग का मतलब तलवार होता है। बचपन से बहादुर थे इसलिए इनका नाम कर दिया गया तेग बहादुर। जानकारी याद रहेगी, 1621 में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था हरगोविंद जी, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। और बचपन में इनका नाम था त्यागमल जी। बाद में इनकी बहादुरी के कारण इनका नाम बदल के तेग बहादुर कर दिया गया। योगदान के बारे में बात करें तो ये सिखों के 9वें गुरु बने थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो वो तेग बहादुर जी थे। कब बने थे? 1665, 1665 में ये सिखों के 9वें गुरु बने थे। इनके दर्शन और शिक्षाओं के बारे में बात करें, इन्होंने क्या सिखाया था, इनकी फिलोसॉफी, लर्निंग, इन सब के बारे में बात करें तो इन्होंने किसके बारे में बात करी थी? इन्होंने ह्यूमन राइट के बारे में बात करी थी, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करी थी। हम जिसकी आज वकालत करते हैं, आज के टाइम में लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने उस समय इनकी वकालत करी थी कि किसी भी धर्म। उस टाइम में क्या औरंगजेब का शासन था भारत में, और औरंगजेब काफ़ी क्रूर राजा था। तो ये काफ़ी दूसरे धर्म के लोग थे, उन पर अत्याचार करता था। तो इन्होंने कहा धर्म धार्मिक है, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी को भी धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ह्यूमन राइट की भी वकालत करी। साथ ही साथ में इन्होंने कहा जो किसी भी व्यक्ति की सेवा है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। तो उन्होंने सेल्फलेस सेवा के बारे में बात करी थी, इन्होंने समानता के बारे में बात करी, इन्होंने न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देने के बारे में बात की। तो इनके दर्शन में क्या क्या है? सार्वभौमिक मानवाधिकार, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के बारे में बात करी थी। इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, निस्वार्थ सेवा, समानता और न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देने के बारे में इन्होंने बात की थी। और योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने कई भजनों का भी संकलन किया था। आप भजनों के बारे में जानते होंगे, तो इन्होंने कई भजन, बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में 115 भजनों में इनका योगदान है। 115 जो भजन है ना वो इनके द्वारा लिखे गए थे, या इनके द्वारा योगदान उसमें दिया गया था। इनके भजनों में वैराग्य होता था, ध्यान है, दिव्य प्रेम है, ये सब चीज़ें इनकी भजनों में देखने को मिलती थी। आप इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो। लीडरशिप थे, सिखों के 9th सिख गुरु बने थे। फिलोसॉफी टीचिंग के बारे में बात करी तो इन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के बारे में बात की थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करी थी। ये प्रमोट किया था सेल्फलेस सर्विस को, इक्वालिटी को और जस्टिस को। और कॉम्पलिसन हिम्स के बारे में बात करें भजनों की, तो इन्होंने 115 हिम्स लिखे थे, जो होली ग्रंथ है ना सिखों का, उनके में उनमें। और इनके जो भजन थे ना वो कैसे थे? डिटैचमेंट वाले थे, वैराग्य वाले, मेडिटेशन था, डिवाइन लव के इनके भजनों में थीम हुआ करती थी। तो ये इनके बारे में अर्ली लाइफ के बारे में था। अब इनके बारे में शहादत के बारे में बात करें तो इन्होंने कैसे शहादत दी थी? तो मुगल शासक उस टाइम औरंगजेब था, वो हिंदू है, सिख है, इन सबका धर्म परिवर्तित करवा रहा था। तो इसका इन्होंने विरोध किया कि इस प्रकार से किसी का धर्म परिवर्तित है नहीं करवाया जा सकता है। तो इन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई। और साथ ही साथ में इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है उसकी रक्षा करने के लिए 1675, 1675 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था दिल्ली में। क्यों गिरफ्तार कर दिया गया था? इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। औरंगजेब है वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए 1675 में इनको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो ये इनको शहादत को याद किया जाता है आज भी।
तो इनकी शहादत को इस रूप में याद किया जाता है, एक तो मानवाधिकारों की रक्षा करने के रूप में इनको याद किया जाता है, साथ ही साथ में धार्मिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च बलिदान के रूप में भी इनको याद किया जाता है। तो ये इनकी शहादत को काफ़ी मायनों में याद रखा जाता है। कब शहादत हुई थी? 1675 की डेट याद रखना। धार्मिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च बलिदान के रूप में इनको याद किया जाता है। इनके विरासत के बारे में बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी है ना, सिखों के लास्ट गुरु, तो वो इनके ही बेटे थे। तो सिखों के जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो इनके बेटे थे। और उनमें जो सैन्य नींव, जो सिख है उनमें सैन्यकरण की नींव है, वो तेग बहादुर के द्वारा रखी गई थी। तो तेग बहादुर जी नहीं, सैन्यकरण सिखों में है वो सैन्यकरण होना चाहिए, इनकी नींव है वो तेग बहादुर जी के द्वारा रखी गई थी। और बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया था। दिल्ली में जो गुरुद्वारा है ना शीश गंज साहिब, वहाँ पर इनका शहादत स्थल बना हुआ है। आंतरिक धर्म सद्भाव है, उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी और वो इनका प्रतीक भी बन गए थे। तो ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आप याद रखना क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। एक जन्म 1621 में हुआ था पंजाब में। पिताजी का नाम क्या था? हरगोविंद जी था। त्यागमल बचपन का नाम था, बाद में नाम बदल के तेग बहादुर रख दिया गया था। 1665 में नौवे गुरु बने। हमने बात करी थी धर्म स्वतंत्रता है, सार्वभौमिक मानवाधिकार के बारे में बात की, समानता न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देने के बारे में बात की, भजन 115 इन्होंने भजन भी लिखे। साथ ही साथ में इनके शहादत के बारे में बात करें तो 1675 में इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। क्यों चढ़ा दिया गया था? क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाई थी, धार्मिक जो उत्पीड़न होता था उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए इनको शहादत सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो ये पूरा आर्टिकल तेग बहादुर जी के बारे में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कॉफ़ी के बारे में, क्या क्यों ये सुर्खियों में? सुर्खियों में इसलिए है कि कॉफ़ी प्लानट प्लांटर्स होते हैं ना जो कॉफ़ी उगाते हैं, उनकी उम्मीद है कि कॉफ़ी के प्राइस है वो 4-5 साल तक कंटिन्यू बढ़े ही रहेंगे, ये कम नहीं होंगे, इसलिए ये सुर्खियों में आया आर्टिकल। हम बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी है ना दुनिया में दो प्रजातियाँ हैं, कॉफ़ी की दुनिया में दो प्रजातियाँ हैं, एक कॉफ़ी अरेबिका है दूसरी है कैनेफेरा। दो प्रजातियाँ कौन कौन सी है? कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी कैनेफेरा। तो ये दोनों प्रजातियों के नाम याद रखना, कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी कैनेफेरा। मोस्ट रूप से दुनिया में दो ही प्रजातियाँ कॉफ़ी की उगाई जाती है। अब अरेबिका के बारे में बात करें तो ये एक संवेदनशील फसल है। संवेदनशील मतलब थोड़ा जलवायु वगैरह ज़्यादा परिवर्तित होता है तो इसको नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक संवेदनशील फसल मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसे नुकसान हो जाता है, इसलिए ये एक संवेदनशील फसल मानी जाती है। इसके मतलब उत्पादन के लिए कहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ होती है तब कॉफ़ी को उगाया जा सकता है। तो इसके प्रोडक्शन के लिए जलवायु परिस्थितियों के बारे में बात करें, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में इसे उगाया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन दे रखी है, उसको आप याद रखना। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी उगाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ है वो उपयुक्त है। तो कॉफ़ी उगाने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ है वो उपयुक्त है। पहला, गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है कॉफ़ी उगाने के लिए। पहला पॉइंट आप याद रखना, कॉफ़ी उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। दूसरा, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, 15 से 28 डिग्री, 15 से 28 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए, 15 से 28 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए। तीसरा, वर्षा रेनफॉल, रेनफॉल 150 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, 150 से 250 के बीच में बारिश होनी चाहिए, ये पॉइंट भी याद रखना। तीसरा, मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए? दोमट, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी में क्या ह्यूमस होना चाहिए? आयरन है, कैल्शियम है, ऐसी खनिज है वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। तो मिट्टी में ये सारी चीज़ें हैं उनका होना आवश्यक है। चीज़ें क्या क्या है? पहला हमने देखा गर्म आर्द्र जलवायु, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तापमान 15 से 28 डिग्री के बीच में, बारिश 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में, मिट्टी कैसी होनी चाहिए जिसमें जल निकासी की आवश्यक व्यवस्था हो, दोमट मिट्टी हो, उसमें ह्यूमस आयरन कैल्शियम की भरपूर मात्रा हो, ठीक है। उसके अलावा ये छायादार जो पेड़ होते, पेड़ों के नीचे उगती है, यहाँ पे बड़ा पेड़ है उसके नीचे उगती है, ठीक है, तो छायादार पेड़ के नीचे उगाई जाती है। और बात करें शुष्क मौसम में ये पकने का इसका समय होता है, समुद्र तल से 600 से 1600 किलो जो मीटर की ऊंचाई है पहाड़ों के ढलान पर इसको उगाया जाता है। ऐसे पहाड़ों के ढलान होती यहाँ पर कॉफ़ी को उगाया जाता है।
तो इस चीजों को याद रखना, ये जो पॉइंट है इनको याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कॉफी को किन किन परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, कंडीशन क्या क्या है। तो ये देखो, क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर फॉर कॉफी प्रोडक्शन, पहला हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कितनी चाहिए टेम्परेचर, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेनफॉल 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड रेनफॉल चाहिए। फिर सॉइल कैसी चाहिए, सॉइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, पहला पॉइंट है ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। दूसरी लोमी दोमट सॉइल होनी चाहिए। तीसरा सॉइल में ह्यूमस होना चाहिए। फिर आयरन है, कैल्शियम है, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, इनकी मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। शेडी ट्री होना चाहिए, शेडी ट्री मतलब जो छायादार पेड़ उनके नीचे होती है। कब पकती है ये, तो ड्राई वेदर होता है ना, सूखा मौसम, तब जाके ये पकती है, तो ड्राई वेदर की कंडीशन जरूरी है। ऊंचाई पर होती है, 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर कॉफ़ी को उगाया जाता है, ये इसके लिए आदर्श कंडीशन है। भारत में बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ होती है ये देख लो, भारत में कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। नाम याद रखना, भारत में किन किन राज्यों में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, पहला है कर्नाटक, फिर है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। तो देख लो मोस्ट ऑफ है ना सदर्न राज्य है, साउथ की राज्य है वो मोस्ट ऑफ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नॉर्थ के राज्य बहुत कम है। तो अगर नॉर्थ का कोई भी ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, नॉर्थ का कोई राज्य आए तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है, 70% से अधिक जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है। तो राज्यों के नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है जी, याद रहेंगे। अब कॉफ़ी बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड क्या है? कॉफ़ी बोर्ड यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय मतलब स्टेचरी बॉडी है। स्टेचरी बॉडी क्या होती है? एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया गया है? इसे कॉफ़ी एक्ट के माध्यम से, कॉफ़ी अधिनियम 1942 के माध्यम से इसे बनाया गया है। तो भारत सरकार की ये एक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? ये एक वैधानिक बॉडी है। इसी संवैधानिक अधिनियम, वैधानिक अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है? कॉफ़ी अधिनियम 1942 के माध्यम से इसे बनाया गया था कॉफ़ी बोर्ड को। पहली बात आपको याद रहेगी, यह एक वैधानिक निकाय है, इसे एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया गया है? एक्ट का नाम है कॉफ़ी अधिनियम 1942, इसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई है, पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो 1995 तक ये पूरे कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से इसकी बिक्री होगी, ये सारी जो है ना वो देख रेख कौन करता था? तो इस बोर्ड के द्वारा की जाती थी। तो 1995 तक कॉफ़ी बोर्ड एकत्रित आपूर्ति कॉफ़ी विपणन दिया किया जाता, कॉफ़ी का जितना मार्केटिंग है जो भी चीज़ें हैं वो इस बोर्ड के द्वारा डिसाइड की जाती थी। लेकिन आज के टाइम में है वो ये बोर्ड इस भूमिका नहीं निभाती है, आज ये प्राइवेट सेक्टर पे, मार्केट पे डिपेंड करता है कि कॉफ़ी का भाव क्या होगे, कॉफ़ी किस रेट में बेची जाएगी, ये पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नाम याद रखना, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं पॉइंट में से पूछेगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस प्रकार की बॉडी है, ठीक है, रेगुलेट किस प्रकार से करती है, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकती है। मेंबर कितने होते हैं? 33 इसमें मेंबर होते हैं, 33। मुख्य कार्यकारी जो होता है उसे भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। भूमिका के बारे में बात करें तो क्या भूमिका निभाती है? तो ये कॉफ़ी सेक्टर है ना, कृषि का क्षेत्र, कॉफ़ी में जो भी कॉफ़ी उगाई जाती है उसका जो भी एरिया है उसमें एक फ्रेंड का भूमिका निभाती है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, यानी कि कॉफ़ी का उत्पादन कैसे होगा, प्रौद्योगिकी कैसे आएगी, गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है, इसका बाजार किस प्रकार से विकसित किया जाता है, कैसे इसका निर्यात होना चाहिए, कैसे इम्पोर्ट होना चाहिए, कैसे एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं वो कॉफ़ी बोर्ड द्वारा तय की जाती है। तो कॉफ़ी बोर्ड ये सारी चीज़ें काम करते हैं, इसके विकास, इसके प्रौद्योगिकी के बारे में, उत्पादन में वृद्धि है, गुणवत्ता कैसे सुधार करना है, ये सारी चीज़ें हैं वो कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा तय की जाती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक में ज़्यादा होती है तो हेडक्वार्टर बेंगलोर में, उसे ऐसे याद कर रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंग्लिश में एक बार देख लो, कॉफ़ी है वो एक एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था कॉफ़ी बोर्ड को, एक्ट का नाम था कॉफ़ी एक्ट 1942,
ठीक है, 1995 तक ये है वो सप्लाई को मैनेज करता था, बाद में इसे मार्केट पे छोड़ दिया गया। कौन सी मिनिस्ट्री का आता था? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आता है। मेंबर 33 है, चेयरमैन है उसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। रोल क्या है? फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की भूमिका निभाता है। फिर रिसर्च है, डेवलपमेंट है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, ये सारी चीज़ें तय की जाती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया जाता है। चीज़ें याद रह जाएगी, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं उत्पादन की स्थिति क्या है। भारत का है कॉफ़ी के उत्पादन में 6वां नंबर है, 6th पोजिशन पर आता है भारत कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। किस में आता है? प्रोडक्शन के बारे में बात करें, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत 6ठे नंबर पर आता है। बट जहाँ एक्सपोर्टर के बारे में बात करें, उत्पादन अलग होता है, एक्सपोर्ट अलग होता है, तो उत्पादन में भारत आता है 6ठे नंबर पे। ठीक है, उत्पादन में आता है 6ठे नंबर पे। निर्यातक में भारत 5वें नंबर पे आता है। जितना एक्सपोर्ट करता है मतलब प्रोडक्ट उत्पादन करता है उससे ज़्यादा ये निर्यात करता है, तो ये निर्यातक में 5वें नंबर, एक्सपोर्टर में 5वां नंबर, एक्सपोर्टर में 5वां नंबर है, और प्रोडक्शन में ये आता है वो 6ठे नंबर पर आता है। ये चीज़ याद रहेगी। जितना भी ये उत्पादित करता है उसका 70% है वो एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, 30% है वो ही हमारे काम आ रही है, बाकी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। फसल के बारे में बात करें तो कितनी हुई थी? 3.6 लाख मीट्रिक टन कॉफ़ी का उत्पादन हुआ था। कौन कौन सी कॉफ़ी उत्पादन भारत में की जाती है? अरेबिका, रोबस्टा दो कॉफ़ी की किस्में हैं, वो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। विशेषता क्या होती है? ये अरेबिका है वो ऊंचाई पर उगाई जाती है, इसमें सुगंध है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका मूल्य भी अधिक होता है। तो अरेबिका हाइट पर उगाई जाती है, ठीक है, सुगंध इसमें अच्छी होती है। ठीक है, बात करें रोबस्टा की, तो रोबस्टा काफ़ी मजबूत मानी जाती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कॉफ़ी के बारे में। क्या क्या चीज़ें हमने देखी कॉफ़ी के बारे में? लास्ट 6th पोजीशन पे आता है प्रोड्यूसर में, एक्सपोर्टर में 5th पोजीशन पे आता है। ठीक है, 70% जो एक्सपोर्ट होता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, 30% कॉफ़ी को डोमेस्टिकली कंज्यूम्ड कर दिया जाता है। 3.6 लाख अभी इसका उत्पादन किया गया था। वेराइटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में वेराइटी कौन कौन सी है? अरेबिका रोबस्टा है। अरेबिका हायर एल्टीट्यूड पे का ग्रो होती है, मार्केट वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसका एरोमा बहुत अच्छा है, सुगंध बहुत अच्छी है। रोबस्टा के बारे में बात करें, काफ़ी स्ट्रेंथ है इसलिए इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉफ़ी उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है, क्यों? क्या कारण है कॉफ़ी उत्पादन में गिरावट क्यों देखने को मिली है? इसके कारण क्या है? एक तो अभी लंबे समय तक सूखा देखने को मिला था, लंबे समय तक ड्रॉट देखने को मिला था, सूखा देखने को मिला था, ये भी कारण है। दूसरा, तापमान में भी वृद्धि हुई है, इसके कारण जो इसके फूल थे ना वो झुलस गए हैं, ये भी पहला कारण देखने को मिला। पहला सूखा आया था, दूसरा कारण क्या है? तापमान में वृद्धि देखने को मिली है, इस कारण से इसके प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है। दूसरा, भारी बारिश के कारण भी कॉफ़ी में दिक्कत देखने को मिली है। तो पहला कारण देखा सूखा और तापमान, दूसरा कारण देखा जुलाई में, ये तो अप्रैल मई के बारे में बात हुई, अप्रैल मई में सूखा पड़ा, तापमान ज़्यादा था, जुलाई में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, इससे भी कॉफ़ी कम हो गई। तीसरा है सकेलपुर, वायनाड जैसे एरिया है ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिली है और वहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था, तो वो भी इम्पैक्ट देखने को मिला। इस कारण से 15 से 20% वो इसके उत्पादन में कमी देखने को मिली है। कॉफ़ी उत्पादन के बारे में कुछ बात करें तो भारत में 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी में भारत में कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था? डच के द्वारा इसे लाया गया था। पहले ये भारत में नहीं थी, जब डच कंपनी भारत में आई थी तो उनके द्वारा कॉफ़ी को लाया गया था, बाद में धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गई। तो ये देख लो, कोज ऑफ डिक्लाइनिंग कॉफ़ी आउटपुट, पहला क्या है? प्रोलॉन्ग ड्रॉट, लंबे समय से ड्रॉट था। सोरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में वृद्धि, इसके कारण से ही पहला था। दूसरा हैवी रेनफॉल, तीसरा लैंडस्लाइड, कहाँ देखने को मिली? सलेकपुर और वायनाड में, वायनाड जहाँ पे राहुल गांधी सांसद बने थे, MP बने थे। ठीक है, की फैक्टर है कॉफ़ी प्रोडक्शन के बारे में, तो 17वीं सेंचुरी में लाई गई थी डच के द्वारा और 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिन पूरे भारत में फैल गई। तो ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। बात करें इससे संबंधित, देखो क्वेश्चन भी पूछा गया था 2022 में, UPSC ने पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पर पूछा गया टी का प्रोडक्शन, टी है यहाँ पर, कॉफ़ी नहीं है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, तो आपको आंसर देना है। आंध्र प्रदेश में टी होता है, केरला में होता है, हिमाचल में होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो ये देख के बताओ कौन कौन सा इसमें आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर जरूर देना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सर्विकल कैंसर के बारे में। क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में इसलिए है क्यों ड्रग्स
कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, DCGI है। इन्होंने सर्विकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित जो क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोरम वायरस है वैक्सीन, इसके निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बाजार में प्राधिकरण दे दिया है। क्या समझ में आया न्यूज़ आपको? समझ में आई? एक संस्था होती है DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है। इन्होंने क्या कार्य किया है, हमारी स्वदेशी रूप से हमने जो ये होता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, तो इस सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए हमने एक वैक्सीन डेवलप की है, जिस वैक्सीन का नाम क्या है, इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पेपिलोम वायरस वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोम वायरस वैक्सीन, QHPA। क्या नाम है इसका? क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोम वायरस वैक्सीन, क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोम वायरस वैक्सीन, ये इस वैक्सीन का नाम है। तो अब इस वैक्सीन पे काम चल रहा है इसे आगे बढ़ाने का, तो इसका मार्केट में टेस्ट करने के लिए, तो वैक्सीन तो बना दिए, अब इसका मार्केट में टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, ये काम करके है कि नहीं है, तो इसका टेस्ट करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आपने नाम कहाँ सुना था? कोविड वैक्सीन इन्होंने बनाई थी, कोविड की भी एक इन्होंने वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये जो वैक्सीन है ना, जो सर्विकल कैंसर के लिए बनाई है, क्या नाम है इसका? क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोम वायरस वैक्सीन है। तो इसका निर्माण करने के लिए, इसका बाजार में टेस्ट करने के लिए ड्रग्स जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया DCGI ने इनको अनुमति दे दी है। तो ये सिंपल सी न्यूज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि DCGI ने ग्रांटेड मार्केट अथॉरिटी, मार्केट में टेस्ट करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मैन्युफैक्चर इंडिजिनियसली, स्वदेशी रूप से विकसित की गई कौन सी वैक्सीन है? क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोरम वायरस वैक्सीन, QHPV, इसको ये किसके लिए? सर्विकल कैंसर के लिए, तो ये अथॉरिटी दे दी है। अब हम बात करेंगे सर्विकल कैंसर के बारे में। सबसे पहले DCGI क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सर्विकल कैंसर के टीके के निर्माण के लिए SII को प्राधिकरण दे दिया है, ये न्यूज़ था। बात करें इस टीके के बारे में, कौन सा टीका है, इसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोरम वायरस, चतुर्भुज ह्यूमन पेपिलोरम वायरस, ये सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए भारत का पहला टीका है। सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए भारत का पहला टीका कौन सा है? तो उसका नाम है क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोरम वायरस वैक्सीन, ये भारत की पहली वैक्सीन है जो सर्विकल कैंसर के लिए इंडिजीनस रूप से बनाई जा रही है। ये जो वैक्सीन है ना, किसके द्वारा बनाई जा रही है? ये जो SII है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा बनाई जा रही है। तो अब है एक संस्था है हमारी वैक्सीन पे आधारित, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ये है DCGI से अलग है, CDSCO, इन्होंने सिफारिश दी किसको? DCGI को, ये अलग संस्था है, इसने सिफारिश किसको दी? DCGI को। क्या कहा? कि भाई ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप इसको अप्रूवल दे दो, ताकि ये जो है ना वैक्सीन, कौन सी? क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोरम वायरस वैक्सीन, इसका मार्केट में जाके टेस्ट कर सके। तो इनकी सिफारिश के बाद ही DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बोला कि हाँ, आप मार्केट में जाके इसको टेस्ट करके पता करो कि ये जो क्वाड्रिलेटरम ह्यूमन पेपिलोरम वायरस वैक्सीन है, सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन है, वो काम की है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे होता है? पहला चरण नैदानिक परीक्षण है, फिर दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, तीसरे चरण के बारे में ये टेस्ट किया जा रहा है, वो तीसरे चरण के आधारित होगा, इसमें मार्केट में जाके चेक किया जाएगा, ठीक है। पहला क्या होता है चरण में? पहला चरण में एक्सप्लोर किया जाता है, फिर प्री क्लिनिक होता है, मतलब क्लिनिक में भेजने से पहले टेस्ट होता है, फिर क्लिनिक में ये डेवलपमेंट किया जाता है, फिर रेगुलेटरी जो भी अथॉरिटी होती है उसके पास भेजा जाता है, रिव्यू होता है, अप्रूवल मिलता है, फिर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर इसकी क्वालिटी होती है वो चेक होती है, फाइनली इसे अप्रूव कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कोई भी वैक्सीन बनती, कैसे बनती? पहला देखो, रिसर्च हो रहा है, प्री क्लिनिक रिसर्च हुआ, क्लिनिक में डेवलप किया गया, रिव्यू हुआ, अप्रूवल मिला, फिर वापस मैन्युफैक्चर किया, अप्रूवल के बाद मैन्युफैक्चर कर सकते हो, फिर मैन्युफैक्चर किया, फिर उसके क्वालिटी कंट्रोल पे चेक हुआ, उसके बाद में कोई भी मार्केट में भेजी जाएगी, मार्केट में टेस्ट होगा, उसके बाद में फाइनल रूप है वो वैक्सीन बनेगी। इस प्रकार से कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये सर्विकल कैंसर के बारे में किस प्रकार से होता है, पहले ब्लीडिंग होती है, फिर कैंसर टिश्यूज होते हैं, तो इस प्रकार से ये स्टेज है आगे आगे बढ़ती जाती है, लास्ट स्टेज में आके बिगड़ जाती है, उस पर बाद में ठीक नहीं किया जा सकता है।
तो ये सर्विकल कैंसर के कुछ इमेज है, इससे आप समझ सकते हो किस किस प्रकार से नुकसान कर सकता है सर्विकल कैंसर। ठीक है, ये सर्विकल कैंसर की अलग अलग स्टेज दे रखी है, नॉर्मल स्टेज, फिर आगे वाली स्टेज, ये सारी दे रखी है सर्विकल कैंसर की। तो सर्विकल कैंसर क्या होता है, ये महिलाओं की गर्भाशय, ठीक है, उसमें भी विकसित होता है कैंसर। इसमें 99% जो मामले होते हैं ना, वो उच्च जोखिम वाले होते हैं, वो पेपिलोरम वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोरम वायरस HPV के कारण होते हैं। जो सर्विकल कैंसर में मोस्ट ऑफ जो मामले होते हैं 99% जो भी मामले होते हैं वो ह्यूमन पेपिलोरम वायरस HPV के कारण ही होते हैं, इसके संक्रमण के कारण ही होते हैं। अब ये जो मामले होते हैं ना, ये प्रसारित होने वाले प्रमुख कारण है, मोस्ट ऑफ कारण में ये HPV ह्यूमन पेपिलोरम वायरस के कारण ही महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। HPV है ये, कुछ मामले में तो खुद ही खुद ठीक हो जाता है, इतना ही नहीं है, कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको समस्या नहीं देखने को मिलती, नॉर्मली ये ठीक हो जाता है, बट कहीं ऐसे लक्षण भी इसके देखने को नहीं मिलते। कई मामले ऐसे होते हैं जहां तो खुद ठीक हो जाता है लेकिन जल्दी इसके लक्षण देखने को नहीं मिलते। अब लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे तो पता नहीं चलेगा भाई कैंसर है कि नहीं है। तो अगर फर्स्ट स्टेज पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है, लेकिन ये आप फर्स्ट स्टेज तक तो पता ही नहीं चलेगा, इसके लक्षण बाहर दिखाई नहीं देते, तो अगर दिखाई नहीं देंगे तो लगातार फैलता जाएगा और लास्ट स्टेज पे आके ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है और इसे ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। अब कैसे ठीक किया जाता है, पहले तो टीकाकरण लगा के ठीक किया जा सकता है, पहला तो प्राथमिक यही प्रभाव है। दूसरा क्या है, रोकथाम के लिए भी कुछ है इलाज किया, जैसे जो घाव वगैरह उनको हटाया जाता है, जाँच की जा सकती है, उपचार किया जा सकता है, इस मामले में भी ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे नहीं है, पहले अगर प्रारंभिक स्थिति में पता चल गया तो टीका दे दो, उसे ठीक हो जाएगा। दूसरी स्थिति में पता चलता है तो ऑपरेशन करके ही इसे ठीक किया जा सकता है, इस प्रकार से इसमें ऑप्शन है। निदान के लिए क्या है, सफलतापूर्वक इलाज के लिए सबसे वही है, जितना जल्दी पता चलेगा उतना प्रभावी ढंग से इससे निपटा जा सकता है, बाद में पता चलने पर इसकी रोकथाम है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर स्टेज फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है तो इसके लिए संभव प्रयास किए जा सकते हैं, इसे ठीक किया जा सकता है। तो सर्विकल कैंसर के बारे में ये था कि यहाँ पे कि पहले तो वुमन में सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है, HPV के कारण होता है, वजाइना में ये होता है, HPV ह्यूमन पेपिलोरम वायरस है उसके कारण होता है। रिजॉल्व कैसे किया जाता है, मोस्ट ऑफ मामलों में तो खुद ही खुद ठीक हो जाता है, बस इसके सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, अगर सिम्टम दिखाई नहीं देंगे तो लास्ट स्टेज हो जाएगी जिससे जान भी जा सकती है। इफेक्टिवली पहले तो वैक्सीन देकर ठीक किया जा सकता है, बाद में इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इस प्रकार से इसे ठीक भी किया जा सकता है। ये तो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए थे सर्विकल कैंसर के बारे में। अब यहाँ पे कुछ टाइप डिसाइड किए गए हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है सर्विकल कैंसर को। तो टाइप होता है एक हो तो है, ये है सर्विकल स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा है एडेनो कार्सिनोमा, पहला है स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा है एडेनो कार्सिनोमा, तीसरा मिश्रित कार्सिनोमा, मिश्रित कार्सिनोमा। ये तीन टाइप के, एडेक्वस सेल कार्सिनोमा, एडेनो, पहले स्विकेस कार्डिसोमा, एडेनस कार्सिनोमा, तीसरा मिश्रित कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, फिर एडेनो कार्सिनोमा है, तीसरा मिश्रित कार्सिनोमा है। पहले में क्या होता है, गर्भाशय की ग्रीवा में ये होता है, 90% मामलों में यही पहला पाया जाता है। दूसरे में क्या होता है, इस सेल कोशिकाओं में बनता है, बलगम पैदा होती है। तीसरे में ये दोनों प्रकार की विशेषता होती है, ये भी मामला देखा जाता है, ये मोस्ट ऑफ केस में पहला ही देखा जाता है। सर्वाइकल कैंसर में भारतीय महिलाओं हैं सबसे दूसरा आम कारण है, सबसे ज़्यादा भारतीय महिलाओं में जो देखा जाता है वो सर्विकल कैंसर ही देखा जाता है। हालांकि इसे रोका भी जा सकता है, 15 से 44 वर्ष की जो महिलाएँ होती है उसमें ये कैंसर आराम से देखा जाता है, आमतौर पर ये देखा जाता है। और जो ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल कैन में ये 2020 में 9.4% कैंसर के मामले वो देखने को मिले थे और 18% इसमें वृद्धि भी देखी गई थी। ये है भारत में जो जितनी भी मृत्यु होती ना उसमें दूसरा कारण है वो सर्वाइकल कैंसर है, भारत में महिलाओं की मृत्यु में दूसरा जो कारण है वो सर्विकल कैंसर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोम वायरस के बारे में बात करें तो ये पुरुषों में भी हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोम वायरस है, पुरुषों में भी पेनाइकल कैंसर और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर। पुरुषों में कहाँ होता है, पेनाइकल पेनिस में होता है, महिला में होता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, योनि गुदा आदि कैंसर का कारण बनता है। महिला पुरुष दोनों में गले में या मलासी के कैंसर का कारण भी बन सकता है। वायरस में संभोग है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, ठीक है, फिजिकल रिलेशन है, मौखिक रूप से है, गुदा मैथुन से भी ये फैल सकता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, HIV संक्रमित हो सकता है, धूम्रपान के करने के कारण हो सकता है, हार्मोनल गर्भ निर्धारण के कारण भी इसका कारण बन सकता है। ये तो ह्यूमन पेपिलोम वायरस है कोज टू
पेनाइल कैंसर मेन में, सर्विकल कैंसर वेजाइनल है वो महिलाओं का कारण बनता है। ये थ्रोट और रेक्टल के थ्रू भी फैल सकता है, मैन और वीमेन दोनों में। फिर सेक्सुअल इंटरक्रॉस है, ओरल और एनल सेक्स से भी फैल सकता है। HIV इन्फेक्टेड पर्सन से, स्मोकर्स है, पीपल डिपेंडेंट, उनसे भी ये फैल सकता है। तो ये फैलने का इसका तरीका देखा, किस किस कारण से फैल सकता है। ठीक है, WHO है, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कुछ रणनीति भी अपनाई है। क्या रणनीति है? सबसे पहले तो 15 साल से जो छोटे उम्र की जो लड़कियां हैं, महिला हैं, उनमें HPV जो वायरस होता है उसको जल्द से जल्द लगाया जाए। फिर 35 वर्ष की जो महिला हैं और 45 और 35 साल के बीच में, उनका परीक्षण टेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि उनको बचाया जा सकते। फिर रोग को पहचानने के लिए जो 90% महिला है उनका उपचार किया जाए, जो कि अगर पहचान किया जाए तो जितनी भी है उनमें कोशिश की जाए कि 90% है उनका उपचार किया जाए। अन्य को और भी रणनीतिक बनाइए। 2050 तक WHO का टारगेट है कि इसमें निवेश को बढ़ाया जाए और महिलाओं की जो भागीदारी उसको बढ़ाया जाए, और इसी माध्यम से जो सर्विकल कैंसर है उसमें कमी लाई जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल सर्विकल कैंसर के बारे में था। ये वैक्सीन इंद्रधनुष से संबंधित एक UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, इसको आप पढ़ना कि भारत सरकार द्वारा मिस्टर इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में, पूरे देश में स्मार्ट सिटी संबंधित है, फिर बाहरी व अंतरिक्ष से संबंधित, नई शिक्षा नीति से संबंधित। तो ये किससे संबंधित ये आप जरूर पढ़ना। आप यहाँ पे देखो ये नहीं होगा, बाकी देख लो, जिससे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। सिंपल है, देख लो समझ में आ जाएगा, ये वाला है। ठीक है, नीति, शिक्षा नीति नहीं, ये नहीं, ये नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया हो आपको। ठीक है, ये मेंस का भी क्वेश्चन है, जरूर अटेंड करना, देखना जरूर, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल रेनफॉल के बारे में। दिल्ली में अभी क्लाउड वगैरह ज़्यादा हो गए थे तो आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने की बात कही थी। तो आर्टिफिशियल रेन क्या होती है उसके बारे में ये है, क्लाउड सीडिंग के बारे में बात हो रही है। तो क्लाउड सीडिंग होती क्या उसको देखेंगे। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, देखो बारिश हो रही नहीं हो रही होती है तो कुछ सिल्वर आयोडाइड है, ऐसे जो केमिकल होते हैं उनको ऊपर भेजा जाता है। ये काफ़ी ठंडे होते हैं, सिल्वर आयोडाइड वगैरह हैं, ये काफ़ी ठंडे होते हैं, इनको कहाँ बादल के ऊपर छिड़का जाता है। तो ये ऑलरेडी ठंडे होते हैं और ऊपर बारिश की बूंदें होती है, तो यहाँ पे ये सघन होकर जमा हो जाएगी, जमा हो जाएगी, काफ़ी भारी हो जाएगी, भारी होगी तो बारिश के रूप में नीचे बरसना है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली यही होता है कि सिल्वर आयोडाइड जैसे कुछ केमिकल होते हैं उनको बादलों पर छिड़का जाता है। चूँकि ये ठंडे होते हैं, ठंडे होकर तो आसपास में जो भी बर्फ के कण हैं, बारिश और बूंदों के कण हैं, उससे चिपकेंगे, एक टाइम के बाद में भारी बनेगा, भारी बनेगा तो बारिश के रूप में नीचे बरसेगा। इस प्रकार से काम करता है क्लाउड सीडिंग। ठीक है, इस सर्वप्रथम ये चाइना में किया गया था। तो क्या होता है अभी क्या किया गया था, महाराष्ट्र के सोलापुर में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग है जो अभी किया गया था, जिससे 18% जो बारिश थी उसमें वृद्धि देखने को मिली थी। ये जो एरिया है महाराष्ट्र का सोलापुर, यहाँ पे बारिश कम होती थी, तो आर्टिफिशियली बारिश करने के लिए क्लाउड सीडिंग का अभी प्रयोग किया गया था। इसके कारण से 18% यहाँ पे बारिश ज़्यादा देखने को मिली थी, यहाँ पे बारिश कम होती है। हमने देखा सोलापुर जो पश्चिमी घाट में है तो यहाँ पे बारिश कम देखने को मिलती है। क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीकी है, यहाँ पे रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका छिड़काव किया जाता है कृत्रिम रूप से, इससे बारिश होती है और बारिश के कारण क्या होता है, इस जो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है जिसके कारण बारिश होते हैं। अब क्लाउड सीडिंग में जो भी कण होते हैं छोटे छोटे नाभिकीय कण होता है जो जल वाष्प संघनित हो जाती है, हमने ऊपर देखा ऐसे छिड़के जाते हैं सिल्वर आयोडाइड वगैरह, तो बारिश के जो कण होंगे इससे चिपक जाएंगे, चिपक के भारी हो जाएंगे, भारी होकर बारिश करेंगे। कौन कौन से यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, सूखी बर्फ जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है उसका यूज भी किया जाता है, तरल लिक्विड जो प्रोपेन होता है उसका उपयोग भी किया जाता है। ये तभी काम करता है जब वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पहले से जल मौजूद हो, तभी इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब सिंपल सी आप चीज़ समझ लो, जो एटमोसफियर है ना, ठीक है, उसमें पहले से बादल मौजूद है, ये माना कि बादल मौजूद है। अब पहले से बादल होंगे मतलब इसमें बारिश की जो बूंदें तो है पानी की बूंदें होगी, तभी इसमें सिल्वर आयोडाइड वगैरह छिड़के जाएंगे, ये ठंडे हैं तभी इसके चारों ओर चिपकेंगे, तभी बारिश होगी। अगर ये बादल नहीं है तो कहाँ से ये इसके पास में बारिश आएगी, बूंदें कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ऑलरेडी बादल का होना जरूरी है, तभी जाके बारिश हो जाएगी। तो सोलापुर महाराष्ट्र में ये देखा गया था, यहाँ 18% बारिश हुई थी, इसमें सिल्वर आयोडाइड है, पोटासियम आयोडाइड है और ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड प्रोपेन, इनका उपयोग किया जाता है। इसके लिए ओनली वर्क करेगा जब इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड होंगे, तभी जाके ये काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी क्लाउड सीडिंग के बारे में।
अब विभिन्न प्रकार की क्लाउड सीडिंग विद्या, कौन कौन सी क्लाउड सीडिंग की विद्या होती है, तो इसकी विद्या के बारे में बात की गई है, मेथड के बारे में बात की गई। तो कौन सा है, पहला हाई ग्रोस्पोस्की क्लाउड सीडिंग, पहले इसमें क्या होता है, फिर है स्थितिक क्लाउड स्पिंग, तीसरा है गतिशील क्लाउड सीडिंग। तो पहला है हाई ग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में इसमें क्या होता है, इसमें बादलों के नीचे के हिस्से में विस्फेटों के माध्यम से लवण जो होता है उसका छिड़काव किया जाता है। देखो इन जैसे समझो, जैसे बादल है, अब इसके नीचे क्या किया जाएगा, ये जो हम कण के बारे में बात कर रहे थे, पोटेशियम है, सिल्वर आयोडाइड है, इसको नीचे जाके विस्फोट करवाया जाएगा, विस्फोट किया जाएगा, इसके जो कण है वो फैल जाएंगे बादलों में, बादलों में फैलेंगे तो ये जो बारिश की बूंदें इसके चारों चिपकेगी तो इससे बारिश होगी। तो पहला है हाई ग्रास्कोपी क्लाउड सीडिंग, हाई ग्रास्कोपिक क्लाउड सीडिंग में इसका विस्फोट किया जाता है और उसके माध्यम से छिड़काव किया जाता है। दूसरा है स्टैटिक, मतलब एक ही जगह जाके इसमें सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल जैसे रसायनों को बादलों पर छिड़का जाता है, ये बादल है इसके ऊपर छिड़का जाएगा किसको, सिल्वर आयोडाइड को, पहले में जो भी क्रिस्टल होते हैं उनको नीचे से ब्लास्ट करके फोड़ा जाता है और उसके माध्यम से बारिश होगी। दूसरा स्थितिक क्लाउड, क्लाउड एक जगह खड़ा है उसके ऊपर छिड़का जा रहा है तो बारिश होगी। तीसरा है गतिशील क्लाउड सीडिंग, इसमें बादल है वो चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, अत्यधिक पानी को गुजरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्ध्वाधर धाराओं को बढ़ाया जाएगा, मतलब इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे इमेजन, यहाँ इस प्रकार से इसको उड़ाया जाएगा इसके बादलों के ऊपर से और फिर छिड़का जाएगा तो बारिश होगी, तो उसे गतिशील जो क्लाउड है वो ध्यान में। तो पहला था हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड, इसमें है सॉल्ट वगैरह जो होते हैं उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है नीचे, उससे फैलता है। दूसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसमें सिल्वर आयोडाइड को ऊपर छिड़का जाता है। तीसरा डायनेमिक क्लाउड, इसमें वर्टिकल जो एयर करंट्स होती है ऐसे बहती रहती उसके माध्यम से जो छिड़के जाते हैं तो उसे बारिश होती है, तो वो होता है गतिशील क्लाउड, ठीक है, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। तो तीन प्रकार की ये विद्या होती है, ये देख लो इस प्रकार से इस पर छिड़का जा रहा है सिल्वर आयोडाइड, ये छिड़का जा रहा है तो ये बारिश में जमा हो जाएगी, इस प्रकार से बारिश होती है, ठीक है, किस प्रकार से वर्क होता है पूरा यहाँ पे दे रखा है, व्हाट इज क्लाउड सीडिंग है, हाउ इट इज वर्क, हेल्पिंग हैंड, ये सारा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है जी। ये भी यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, पहले कैसे सिल्वर आयोडाइड को छिड़का जाता है, फिर सिल्वर आयोडाइड की कैसे जमा हो जाती है, तो सेम टू सेम प्रोसेस है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर है, उसमें पावर जनरेशन में, वाटर पॉल्यूशन में किया जाता है, फिर फॉग डिस्पोजल है, इन सब को हटाने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, टूरिज्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ का यूज़ होता है, कृषि देख लो, बिजली उत्पादन है, जलवायु नियंत्रण है, कोहरा है, ओलावृष्टि है, चक्रवात, इन सबको कम करने के लिए, वायु प्रदूषण निपटने के लिए, टूरिज्म में भी इसका उपयोग किया जाता है, मूवी इंडस्ट्री वगैरह में भी इनका उपयोग किया जाता है क्लाउड सीडिंग का, ठीक है जी, समझ में आ गया। चैलेंज क्या है, तो इसके कुछ चैलेंज भी देखने को मिलते हैं, पोटेंशियल साइड इफेक्ट है, पहला तो ये पौधों है, जानवर है, लोगों के और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, अगर केमिकल इस बारिश का उपयोग करोगे तो ये हानिकारक हो सकता है। दूसरा असामान्य मौसम पैटर्न, ये आखिरकार तो ये पूरा है जलवायु के आधार पर चलता है, लेकिन उसमें आप छेड़छाड़ करोगे तो पूरा मौसम का पैटर्न है वो बदल सकता है, जलवायु का पैटर्न है वो बदल सकता है, काफ़ी महंगा होता है। तीसरी प्रॉब्लम ये काफ़ी महंगा होता है, आसमान में रसायन को छेड़ना है, उन पर शॉर्ट्स लगाने तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है इसमें, तो काफ़ी नुकसानदायक होता है, महंगा भी होता है, प्रदूषण भी होता है इससे, कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड है, सूखी बर्फ है, नमक है, ऐसे सीडिंग एजेंट गिरेंगे तो उससे क्या होगा, इसमें आसपास में पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, तो ये जहरीला काफ़ी माना जाता है, सूखी बर्फ है उससे ग्रीन हाउस गैस भी बनती है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन सकता है, तो आप पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हो, इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, तो बात आपको समझ में आएगी। साइड इफेक्ट हमने देख लिए, हार्मफुल प्लांट एनिमल पीपल इन सब के लिए होता है, फिर अब नॉर्मल वेदर पैटर्न हो जाता है, कॉस्टली होता है, पॉल्यूशन भी होता है, तो ये इसके कुछ चैलेंज भी देखने को मिलते हैं। क्लाउड सीडिंग इन यूएई, यूनाइटेड दुबई में अभी क्लाउड सीडिंग करी गई थी 2000 में स्टार्ट की गई थी, फिर ये रेडार वगैरह काफ़ी नुकसान वहाँ देखने को मिला था, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, तो ये सब चीज़ें हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में था। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, इसको देखना और इसका आंसर देने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन इससे संबंधित है, एक बार देखकर और आंसर देने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, इसकी 91वीं आम परिषद की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये एक अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ये सार्वजनिक कॉरपोरेशन के लिए है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत आता है, काम क्या है,
जो कृषि उत्पाद होते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके उत्पादन होता है, उसका विपणन होता है, मार्केटिंग, भंडारण, स्टोरेज है, एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, इन संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ावा देना। यानी कि सिंपल सा इसका क्या काम है, राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम का इसका काम है एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती है ना उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है, उसमें फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। ये राज्य सरकारें होती है वो सरकारी समितियों को क्या फंड देती है, तो ये राज्य सरकारों को ऋण देता है, इनको ग्रांट्स देता है कि आप जाके सहकारी समितियों को हेल्प करो, उनको फंड दो, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है। ये पूरा आर्टिकल नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट्स के बारे में था। 91वीं इसकी जनरल बैठक थी, दिल्ली में आयोजित हुई थी, 1963 में स्थापित किया गया था, एक अधिनियम के द्वारा इसे बनाया गया था। प्लानिंग, प्रमोशन, फाइनेंसिंग देने का काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी फाइनेंस देता है ताकि वो मिलकर काम कर सके और जो भी कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको फंड दे सके। तो ये पूरा आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।